हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर कनाडा। मेरे को पता है आप सब काफ़ी बेसब्री से मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ टाइम नहीं लग रहा था मेरा पिछले कुछ हफ्तों से, तो वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो गया। पर एक जो क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं अकोमोडेशन के बारे में, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि विनीपैग या फिर कनाडा में और कहीं पर भी हमें अगर अकोमोडेशन सर्च करनी है तो आप कैसे सर्च कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, क्या क्या ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो एक प्रॉपर और सिक्योर अकोमोडेशन के लिए। काफ़ी बार हम जब ऑनलाइन सर्च करते हैं तो कुछ फ्रॉड केसेस भी आते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहो, और अगर आप कनाडा आ रहे हो और आपको कोई रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए तो कैसे उसको प्रॉपर सर्च करना है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो देखते रहो ये वीडियो। तो कनाडा में काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स आते हैं। वैसे तो जो भी आता है वो यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड होके आता है, उसको पता होता है कि उसने कहाँ पे रहना है, कहाँ पे कॉलेज है, कहाँ पे क्या है। आजकल ऑनलाइन हर बंदा हर कुछ सर्च करके ही आता है, पर फिर भी कुछ फ्रॉड केसेस हो जाते हैं या फिर कई बार अकोमोडेशन आपको सूट नहीं करती तो आप किसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता। आपको आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो इस वीडियो के बाद, आप अपने लिए खुद अकोमोडेशन सर्च कर सकते हो, आपको किसी पर भी इतना डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि किजीजी है या फिर क्रेगलिस्ट है, ये दो वेबसाइट हैं जिनका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ फॉर फाइंडिंग अकोमोडेशन। और अगर आप जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए से टूरिस्ट आ रहे हो और आपको कोई जगह चाहिए थोड़े टाइम रहने के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन रहता है आप एयरबीएनबी का यूज़ करो। एयरबीएनबी काफ़ी फेमस है, आपको हर सिटी में ऑलमोस्ट जो मेनली टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे तो बहुत सारी एयरबीएनबी मिल जाएंगे, और सस्ते से सस्ते प्राइस में, और सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको एयरबीएनबी वाले देते हैं। अगर आप नॉर्मल कोई रेंटल प्रॉपर्टी लेते हो तो वहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि एयरबीएनबी स्पेशली बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वहाँ पे टूरिस्ट आए उनको जो भी ज़रूरत होती है, जैसे कि वॉशरूम हो गया, होम इंटरनेट हो गया, ऐसी फैसिलिटीज़ वो इंक्लूड रखते हैं उसके अंदर, तो वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूँगा क्रेगलिस्ट का और किजीजी का, वहाँ पे जाके आप ना सिर्फ अपने लिए अकोमोडेशन सर्च कर सकते हो जबकि उसके लिए आप जॉब भी आप सर्च कर सकते हो। जॉब के लिए इंडीड की वेबसाइट भी है, पर जॉब के रिगार्डिंग मैं एक और कोई दूसरी वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल सिर्फ किजीजी और क्रेगलिस्ट पे फोकस कर रहा हूँ मैं, और एयरबीएनबी जिन्होंने शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए चाहिए जिनको। एयरबीएनबी हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है एयरबीएनबी, जस्ट टूरिस्ट के लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा सूटेबल आपको कोई रेंटल प्रॉपर्टी चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, कहाँ पे आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो, आपको कॉलेज के पास चाहिए, आपको किसी ऐसे ही मार्केट में चाहिए जहाँ पे आपको स्टोर्स वगैरह नज़दीक पड़ते हो, वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह की अकोमोडेशन सर्च कर रहे हो। जो स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से वो ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि उनके कॉलेज से उनके घर का डिस्टेंस कम हो ताकि उनका ट्रैवलिंग टाइम सेव हो, क्योंकि कॉलेज उन्होंने हफ्ते में दो या तीन बार तो एटलीस्ट जाना ही है, और अगर वो घर के पास होएगा और वो काम भी अपने घर के पास ढूंढ सकते हैं बाद में, इसलिए कॉलेज के पास के जो एरिया होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं एज रेंटल, क्योंकि उन्हें पता कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करेंगे। सो मैं प्रेफर करूँगा अगर आप बिल्कुल कॉलेज के पास ना रहकर थोड़ा सा उससे दूर रहें, जहाँ से आपको कम्यूट मिल जाए, बस सर्विस आप देख लो कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से लेके कॉलेज तक जस्ट आपको एक बस लेनी पड़े या फिर 10-15 मिनट का ही ट्रैवलिंग टाइम हो, तो वो बेटर ऑप्शन है बजाय कि आप हंड्रेड्स ऑफ डॉलर एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो जस्ट कॉलेज के पास रहने के लिए। जब मैं अपने स्टडी करता था तो मेरे घर से कॉलेज का डिस्टेंस ऑलमोस्ट
1 आवर 15 मिनट्स और अगर ट्रैफिक है तो 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास जाता था। पर मैं एक्चुअली दूसरे सिटी में रहता था, मेरा कॉलेज वैंकूवर में था जबकि मैं सरी में रहता था, जिसके कारण इतना ट्रैवलिंग टाइम था। बट आई सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी क्योंकि वैंकूवर में अकोमोडेशन बहुत महंगी है जबकि सरी इन कंपैरिजन चीप है, बट आज की डेट में सरी के प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो रखे हैं क्योंकि सरी में भी KPU है, यूनिवर्सिटी है, क्वांटलन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, जिसमें अब काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और वहाँ सरी में भी काफ़ी रेंटल प्राइसेस इंक्रीज हैं आज की डेट में। पर फ़िलहाल मैं बात करूँगा विनीपेग की, अभी फ़िलहाल मैं विनीपेग में हूँ और यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो आते हैं रेड रिवर कॉलेज में या फिर MITT में। एक और वीडियो भी मैं बना रहा हूँ जो कि MITT के ऊपर होगी, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। पर फ़िलहाल के लिए जो रेड रिवर कॉलेज के आसपास का एरिया है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। कई बार जो अपार्टमेंट्स होते हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो। अगर किसी को शेयरिंग में चाहिए, एक ऑप्शन आता है अगर आप क्रैगलिस्ट में या फिर किजीजी पर अप्लाई करते हो, आप सर्च करते हो तो सबलेट का ऑप्शन आता है कि कोई अपना अपार्टमेंट छोड़ना चाहता है और वो आपको अपना लीज ट्रांसफ़र करना चाहता है, या फिर कोई बंदा है जो कि कहीं पे रह रहा है, उसका रूममेट छोड़ के चला गया है, या फिर किसी वजह से वहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, कोई बंदा सर्च कर रहा है कि मेरे साथ कोई रह ले ताकि उसका रेंट भी थोड़ा डिवाइड हो जाएगा दो जानों में, तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेपरेट बेसमेंट या फिर सेपरेट अपार्टमेंट लेके रहो, कई बार 6-7 स्टूडेंट्स का ग्रुप एक पूरा घर अफोर्ड कर सकता है, जैसे कि एक पूरा घर ले लिया एक बंदे ने और बाद में वो 6-7 जाने उसको शेयर कर रहे हैं तो वो काफ़ी चीप पड़ जाता है। पहले सुनने में ज़्यादा लगता है कि $1,000 के आसपास का रेंट है, लेकिन अगर वही हम डिवाइड करें 5 जनों में तो $200 ईच पड़ता है। तो इस तरह से आप काफ़ी अपना मनी सेव कर सकते हो और एक बेटर ऑप्शन ढूंढ सकते हो। और आप ये भी सर्च कर सकते हो कि जो अकोमोडेशन आप ले रहे हो वहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं जस्ट इतना सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड लो, इवन हाइड्रो हीट एवरीथिंग इंक्लूडेड। इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ पे वैंकूवर सरी में तो ऑलमोस्ट हर कोई बंदा इंटरनेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, पर यहाँ विनीपेग में इंटरनेट फैसिलिटी इतनी नहीं प्रोवाइड करते, बहुत रेयर हैं जो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो हर बंदा यहाँ पे कहता है कि इंटरनेट आपको अपना लगवाना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेट आज की डेट में एक नेसेसिटी बन चुका है, उसके बिना काम करना बहुत मुश्किल है। सो आप इंटरनेट के सस्ते पैकेजेस सर्च कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको बड़ी कंपनियां जैसे कि टेलस या बेल के साथ जाना चाहिए, और छोटी कंपनियां भी हैं जैसे कि मैं जानता हूँ एक कंपनी है CIK, वो काफ़ी चीप इंटरनेट प्लान्स ऑफ़र करती है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो उस कंपनी के देन आपको काफ़ी बढ़िया ऑफ़र मिल सकते हैं वहाँ पर। मेरे YouTube चैनल पे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई अकोमोडेशन के बारे में बताओ, अकोमोडेशन के बारे में बताओ, इसलिए आज की ये वीडियो जस्ट मैं अकोमोडेशन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि किस तरह से आप यूज़ करो, कैसे यूज़ करो। तो मेक श्योर आप KijiJi या फिर क्रैक लिस्ट पे जाओ, वहाँ पर आप देखो सबलेट्स। अगर आप थोड़ा सेपरेट अपना प्राइवेट रूम लेना चाहते हो, नहीं तो आप देखो शेयरिंग और शेयर्ड रूममेट करके वहाँ पे कुछ लिंक आएगा तो वो आप सर्च करो, वहाँ पे आप देखो कि आपको क्या क्या चाहिए, आप फिल्टर ऐड करो, यूटिलिटीज़ ऑल इंक्लूडेड, देन आप एक प्राइस रेंज सेट करो कि कितना प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हो, उस हिसाब से आप वहाँ पे प्राइस एडजस्ट कर लो तो आपको ऑप्शंस आ जाएंगी कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन आप वहाँ पे अगर आपको ईमेल दिया हुआ है तो आप ईमेल के थ्रू उस बंदे को कांटेक्ट कर सकते हो
अगर उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है तो आप फ़ोन नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लास्ट इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे फ्रॉड केसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कई लोगों ने फेक अकाउंट बनाए हुए हैं और वो ऐसे लोगों की तलाश में ही रहते हैं जिन्होंने मतलब अकोमोडेशन लेनी है और वो यहाँ विनीपेग में या फिर कैनेडा में है नहीं, वो आउट ऑफ प्रोविंस या फिर आउट ऑफ कंट्री यहाँ पे अपना रूम लेना चाहते हैं या शेयरिंग में या फिर कोई सेपरेट रूम ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपसे पहले डिपॉज़िट के नाम पे या फिर एडवांस के नाम पे कुछ अमाउंट मांगेंगे और बाद में जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा वो अकोमोडेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती या फिर वो किसी और को बिलोंग करती है। सो बेस्ट वे उससे बचने का क्या है कि आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कहो कि पहले वो अकोमोडेशन देख के आएँ, उसके बाद जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हो, अकोमोडेशन आपने खुद अपनी आंखों से देख ली या फिर आपके किसी फ्रेंड ने या आपके रिलेटिव ने वो खुद देख के आए हैं अकोमोडेशन, सारा कुछ जांच पड़ताल कर लिया, उसके बाद ही आप पैसे दो, नहीं तो आप किसी ऐसे फ्रॉड केस का शिकार हो जाओगे। और अगर आपको मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आपका नीचे कमेंट बॉक्स में तो मैसेज करके मेरे से कोई भी सवाल पूछ ही सकते हो। सो प्लीज़ बने रहो एक्सप्लोर कैनेडा, हम अब इकट्ठे एक्सप्लोर करेंगे और कैनेडा को आगे काफ़ी सारी वीडियोस मैं डालूंगा। इधर उधर अभी मैं प्लान है कुछ घूमने फिरने का, तो घूमने फिरने की वीडियोस में ही आएंगी और साथ में इमिग्रेशन से रिलेटेड और पॉलिसी रिलेटेड तो मैं वीडियोस डालता ही रहूँगा। सब बने रहो मेरे चैनल के साथ, सी यू।